लखनऊ कोर्ट रूम में हुई कुख्यात अपराधी संजीव जीवा की हत्या के मामले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर गठित की गई 3 सदस्यीय जांच कमेटी में अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी मोहित अग्रवाल, अयोध्या के पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार और पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में तैनात संयुक्त पुलिस आयुक्त नीलावजा चौधरी शामिल किए गए हैं। जांच कमेटी को 1 सप्ताह के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ कोर्ट शूटआउट मामले में एसआईटी जांच करेगी। मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम गठित की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है, 7 दिन में जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि लखनऊ कोर्ट शूटआउट मामले में एसआईटी गठित की गई है, एसआईटी जांच करेगी। 7 दिन में जांच पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद पूरे मामले का संज्ञान लिया है और इसके साथ ही 7 दिन के अंदर जांच करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि कोर्ट रूम में हुई कुख्यात अपराधी संजीव जीवा की हत्या के मामले का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी माना जाता था संजीव जीवा। आपको बता दें कि कोर्ट रूम में संजीव जीवा की दर्दनाक हत्या कर दी गई। हत्या के मामले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर गठित की गई है 3 सदस्यीय जांच कमेटी में अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी मोहित अग्रवाल, अयोध्या के पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार और पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में तैनात संयुक्त पुलिस आयुक्त नीलावजा चौधरी शामिल हुए। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना था कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, हालांकि माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो ही रही है, लेकिन जिस तरह से कानून को तोड़ते हुए लगातार हत्या की वारदात, पहले पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की हत्या और उसके बाद अब कोर्ट रूम में संजीव जीवा की हत्या, लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस हत्याकांड के बाद पूरे मामले में सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्षी दल लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक के बाद एक ऐसी हत्या जो कानून को तोड़ती हुई नजर आ रही है। लोगों के हौसले इतने बुलंद, दबंगों के हौसले इतने बुलंद कि कानून को अपनी मुट्ठी पर लेकर लगातार इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी और अब कोर्ट रूम में संजीव जीवा की हत्या। बताया जा रहा है कि संजीव जीवा मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी माना जाता है। लखनऊ कोर्ट शूटआउट मामले में एसआईटी जांच करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच के लिए आदेश दिया है और 7 दिन के अंदर जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया।